اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسعيدنا. और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो नाज़रीन, सितंबर का महीना जिसकी खास मुनासिबत यह है कि इसमें यौम दफा मनाया जाता है और यौम शहदाए पाकिस्तान मनाया जाता है। तो इस दिन जो 6 सितंबर का दिन है, इस दिन हमारे दुश्मन ने एक नापाक जसारत की थी हमारे मुल्क पर हमला करने की, तो जिसके नतीजे में हमारे जवानों ने टैंकों के आगे लेट कर और उन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाकर इस मुल्क का, इस अर्ज पाक का दफा किया था। आज इसी दिन की मुनासबत से मैं मौजूद हूँ चक नंबर 4 नारे में हमजा अरशद शहीद के घर। तो हम उनके वाले साहब से बात करेंगे कि हमजा अरशद शहीद कैसे इंसान थे और उन्होंने उनकी शहादत पर उनके क्या बहुत था? अच्छा इंसान था, नमाजी था और नमाज का पाबंद था, दोस्तों वाला था, बहुत इंसान था मेरे साथ उसका दोस्त। हमजा भाई ने शहादत का रुतबा हासिल किया तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब हमजा भाई ने शहादत का रुतबा पाया उस वक्त मुझे बहुत फख्र हुआ कि उन्होंने मुल्क और कौम के साथ साथ मेरा साथ भी फख्र से बुलंद कर दिया, कुर्बानी दी। माशाल्लाह, आफरीन है कौम के ऐसे जवानों पर भी और जवानों के वालदैन पर भी जो अपने लखते जिगर को इस अर्ज मुकदस पर कुर्बान करके फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ताला हमजा भाई की शहादत को कबूल। हमजा बहुत चंगा सी, माशाल्लाह बहुत खराक वाला से पूरे दिल की ख्वाहिश में मैं पढ़ती हूँ शहीद हुआ, अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी कर दी थी। बहुत खराक वाला से ये शहीद के भाई हैं अली, जो ये बताएंगे कि शहीद की क्या ख्वाहिश थी और शहीद किस तरह के इंसान थे। हमजा भाई बहुत अच्छे इंसान थे, वो 5 वक्त के माशाल्लाह नमाजी थे, बहुत अच्छे क्लास वाले थे। जब वो यहाँ आए लास्ट टाइम छुट्टी पे तो वो सबसे कहते थे कि यार दुआ करना कि मुझे शहादत का रुतबा मिल जाए। उन्होंने सबसे कहा था कि मुझे शहादत का रुतबे की बड़ी आरजू है, लिहाजा मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी यह तमन्ना पूरी, वो शहीद हो जाए और अल्लाह ताला ने उनकी आरजू पूरी कर दी। तो अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और उनको जन्नत फरदौस में अल्लाह से अल्लाह मकाम अता। उनका अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा इखलास था, वो बड़े फ्रेंडली माहौल में रहते थे, उनका अपने वालिद साहब के साथ बड़ा फ्रेंडली माहौल था और बड़े दोस्ताना माहौल में वो जिंदगी। मोहम्मद हमजा अरशद शहीद की वर्दी से आज भी उसके वालदैन को अपने बेटे की खुशबू महसूस होती है। मैं दफा के हवाले से बात करना चाहूँगा, आज के दिन के हवाले से बात यह है कि हमजा शहीद की शहादत पर मुझे बहुत फख्र है और आइंदा भी अगर मौका मिले तो मैं दूसरे बेटे भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करूँगा। 27 नवंबर 2020 को मोहम्मद हमजा शहीद शाम के वक्त जाम शहादत नोश फरमा गए। प्यारे भाई मोहम्मद हमजा अरशद शहीद को फुटबॉल कबड्डी से ख़ास लगाव था, वो गांव में माने हुए कबड्डी के खिलाड़ी थे, फुटबॉल से भी ख़ास अकीदत थी। आज सुबह के वक़्त उनके ख़ानदान के मेंबरान ने मिलकर उनकी कब्र पर हाजिरी दी। इसके अलावा और भी सिविल सोसाइटी के लोग भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने उनके वालदैन ने उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अरशद साहब ने फरमाया कि मेरे अगर और भी बेटे को मौका मिले तो मैं उनकी जान भी इस अर्ज़ मुकद्दस पर कुर्बान कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई हमजा अरशद एक बहुत ही नफीस इंसान थे, उनका अपने दोस्तों के साथ साथ अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ इंतहाई अच्छे मरासम थे। कुछ वजूहात की बिना पर अगर कोई दोस्त किसी को नहीं बुलाता था तो वो कभी भी उन्होंने किसी बात को महसूस नहीं किया, बल्कि वो कोई बुलाए या ना बुलाए वो हर किसी के साथ हंस कर और प्यार और मोहब्बत के साथ बात करते थे। उनके लहजे में मतानत थी, आजजी थी और हर किसी को सलाम करते थे। और जब आखिरी बार वो छुट्टी आए हैं तो गांव की जो बड़ी औरतें थीं, बुज़ुर्ग थे, सबको मिलते थे। जब छुट्टी से वापस जा रहे थे
तो हर किसी से मिल मिल कर कह रहे थे कि चाचू जी, फूफो जी या जॉन से भी रिश्तेदार थे। सबसे मिलकर ये दुआ करवाते थे कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और 27 नवंबर 2020 की शाम उन्होंने जामे शहादत नोश किया। शहादत से पहले वो अपने वालद मोहतरम को कॉल करते रहे, जो कि किसी फौतगी की मसरूफियत की वजह से घर पर मौजूद ना थे। बड़ी भाभी से बात की और ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगे कुछ नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा हूँ। तो रात के 9 बजे जब घर में ये खबर पहुँची कि मोहम्मद हमजा अरशद जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं, तो बिल्कुल भी किसी के चेहरे पर गम परेशानी के कोई आसार नहीं थे। गांव में एक अजीब कैफियत थी, फजाओं में एक सुरूर था। ऐसे लगता था जैसे आसमान भी उनके दुख में है और जमीन भी उसके साथ बयान कर रही है। सब लोग पुर मतानत थे, सब लोग पुरजोश थे, सब लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और शहीद को सुपुर्दे खाक किया। हमजा शहीद के नाम पर गांव में एक चौक का नाम मोहम्मद हमजा शहीद चौक रख दिया गया है। इसके अलावा जब प्यारे भाई मोहम्मद हमजा अरशद शहीद फौत हुए, अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा नसीब फरमाया। तो जी नाज़रीन, बेशक जो शहीद हैं वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद ज़िंदा हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क पा रहे हैं। तो शहीद हमारे सर का ताज हैं और शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे भाई हमजा अरशद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।